क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गाबा के मैदान में चौथा और आखिरी टेस्ट मैच है। अब इस सीरीज के साथ साथ गाबा टेस्ट में भी स्टीव स्मिथ पर एक बार फिर से बेईमानी के गंभीर आरोप लगे। स्मिथ पर कई तरह के सवाल उठे और इन्हीं सवालों के बीच रोहित शर्मा ने बीच मैदान में स्टीव स्मिथ को उनकी असली औकात बता दी। जी हाँ, रोहित का यह रूप पहली बार दिख रहा था जब हिटमैन ने बीच मैदान में बीच पिच पर स्मिथ का गंदा वाला मजाक उड़ा दिया और वो भी स्टीव स्मिथ के ठीक सामने। जी हाँ, रोहित शर्मा ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, किसी ने सोचा नहीं था, कल्पना भी नहीं की थी कि हिटमैन ऐसा कर सकते हैं और हिटमैन कुछ ऐसा करेंगे। खुद स्टीव स्मिथ को भी यकीन नहीं हुआ। रोहित ने स्मिथ के मैदान में आते ही स्मिथ का जबरदस्त मजाक उड़ाया। अब क्या हुआ मैदान में, रोहित ने कैसे स्मिथ को बताई औकात, आपको बताते हैं सब कुछ। आप इस वीडियो को तुरंत शेयर करें, रोहित और स्मिथ के लिए कमेंट भी करें और हाँ, आपको ये पूरा वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। तो काबा के मैदान में कंगारों को पहले शार्दुल ठाकुर और सुंदर ने करारा जवाब दिया जब दोनों ने सातवें विकेट के लिए 123 रन जोड़े और भारत को मैच में वापस लेकर आए। और उसके बाद गेंदबाजों ने भी अच्छा खेल दिखाया और कंगारू टीम को दूसरी पारी में 300 रन से पहले ही ढेर कर दिया। अब इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़े बल्लेबाज एक बार फिर स्टीव स्मिथ ही थे। लेकिन स्टीव स्मिथ तो इस पूरी सीरीज में बुरी तरह से ट्रोल हो रहे हैं क्योंकि एडिलेड टेस्ट में स्टीव स्मिथ ने पहले अश्विन को गाली देने वाले टिम पेन और मैथ्यू वेट का समर्थन किया तो बाद में ऋषभ पंत का गार्ड खुद ही मिटा दिया। यही नहीं, गाबा टेस्ट में भी स्मिथ ने आउट होने पर अंपायर को धमका दिया था। अब स्मिथ की ये सारी करतूतें सभी ने देखी, भारतीय फैंस ने देखी, भारतीय खिलाड़ियों ने भी देखी और किसी को भी स्मिथ का ये अंदाज पसंद नहीं आया। अब रोहित शर्मा ने स्टीव स्मिथ की इन बेईमानियों का तीखा जवाब देने का मन बना लिया और रोहित को इसका मौका गाबा टेस्ट मैच के चौथे दिन जाकर मिला। डेविड वॉर्नर के आउट होने पर स्टीव स्मिथ क्रीज पर आए और जैसे ही स्मिथ क्रीज पर आए तो देखिए हिटमैन ने कैसे करारा जवाब दिया। रोहित वहां पर खड़े हो गए जहां पर बल्लेबाज खड़ा होता है। रोहित ने बिल्कुल स्मिथ की तरह स्टांस लिया और शॉट खेलने का इशारा भी किया और बिल्कुल हूबहू वैसे ही जैसा शॉट खेलने के बाद स्मिथ करते हैं और क्रीज से आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक वैसे ही रोहित शर्मा ने भी किया। और बड़ी बात यह भी थी कि ठीक सामने स्टीव स्मिथ खड़े थे और स्मिथ रोहित को ही देख रहे थे। इस दौरान रोहित ने बेहद तीखे अंदाज में स्मिथ को करारा जवाब दिया और पिच पर ही स्मिथ के सामने ही स्मिथ का मजाक उड़ा दिया। हिटमैन वैसे इस तरह का अंदाज कम ही दिखाते हैं, हिटमैन ऐसा कम ही करते हैं, लेकिन यहां पर स्मिथ ने सारी हदें पार कर दी थी, बेईमानियों की सारी लिमिट्स क्रॉस कर गए थे और इसीलिए रोहित शर्मा ने स्मिथ को उसी की भाषा में करारा जवाब दिया क्योंकि अक्सर कंगारू खिलाड़ी दूसरी टीमों के खिलाड़ियों को परेशान करते हैं, उनका मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन यहां पर रोहित ने जबरदस्त पलटवार किया और स्मिथ का गंदा वाला मजाक पिच पर ही उड़ा दिया। अब रोहित के इस अंदाज के बाद स्मिथ एक बार फिर ट्रोल हो रहे हैं। फैंस का कहना है कि रोहित ने स्मिथ के लिए जो भी किया, जैसे भी मजाक उड़ाया, बिल्कुल ठीक किया क्योंकि स्मिथ इसी के लायक हैं और स्मिथ अब महान कहलवाने के तो बिल्कुल भी लायक नहीं है क्योंकि उनके अंदर बेईमानी कूट कूट कर भरी हुई है। अब टीम इंडिया के उपकप्तान रोहित शर्मा ने यहाँ पर बेहद शानदार काम किया और स्मिथ को उन्हीं के देश में, उन्हीं के मैदान में, उन्हीं की भाषा में करारा जवाब दिया और उम्मीद है कि अब भारतीय टीम गाबा टेस्ट मैच को जीतकर कंगारुओं को और भी करारा और बड़ा झटका देगी। तो आपका क्या मानना है, क्या रोहित ने स्मिथ का मजाक उड़ाकर ठीक किया? कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय हमें जरूर दें और वीडियो को अभी शेयर करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।